हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक अद्भुत, अजीब और रोचक सफर में। यह सफर है जर्मन एक्सप्रेशनिज्म का, एक ऐसा रेवोल्यूशन जहाँ इमेजिनेशंस, इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। यह काल्पनिक और व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव से घिरा हुआ है। एक्सप्रेशनिज्म वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान डेवलप्ड हुआ था, जो कि कोशिश करता है दिखाने की लोगों का पर्सपेक्टिव, आम लोगों का पर्सपेक्टिव आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वो किस तरीके के मेंटल इलनेस से गुजरे और किस तरीके से वो डिप्रेस्ड हुए या डिप्रेसिव दुनिया में चले गए, वो दिखाता है जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। आपको जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मूवीज पहचानने में बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी, उनमें से कुछ के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली है इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस, भावनाओं की इम्पोर्टेंस को माना गया है। एज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड वॉर के दौरान के बाद, जब वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद लोग किस तरीके से मेंटल इफेक्ट के साथ गुजर रहे थे एंड व्हाट दे वर गोइंग थ्रू। यहाँ करेक्टर्स अपनी भावनाओं को बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान देते थे। वेल, अगर आप इन तरीके की मूवीज देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही डिप्रेसिव, सैड, इनफैक्ट साइको टाइप्स का इमोशंस दिखाई देगा। जो अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी जर्मन एक्सप्रेशनिज्म मूवीज में, दैट वाज डिस्टॉर्शन। अगर आप जर्मन एक्सप्रेशनिज्म्स की मूवीज़ देखेंगे तो आपको बहुत ही अजीब और इमेजिनरी लगेंगी। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है जो कि बहुत ही अजीब तरीके की है और बहुत ही डायगनल्स तरीके की है। अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन मूवीज का देखोगे तो इट वाज लाइक वेरी वियर्ड काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम रियलिस्टिक लाइफस्टाइल में नहीं देखते हैं। तो बहुत ही फॉल्सिफिकेशन या डिस्टॉर्टेड तरीके की इमेजिनरी आपको इमेजेस इनकी मूवीज में दिखेगी। अगेन, इसमें डार्क कलर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, यानी कि शैडो से आपका जो स्ट्राइक कलर्स हैं, जो कि दिखा रहा है डिप्रेशन को, और कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि वर्ल्ड वॉर भले ही कोई कंट्री स्पेसिफिकली जीत गई हो, लेकिन उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कितने दुखदाई होते हैं। वेल, एक्सप्रेशनिज्म मूवीज़ की अगर हम बात करें तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मूवीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट मूवी थी वो थी द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी। ये जो सीन है आप देख पा रहे हैं, ये कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी का ही है एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक हॉरर मूवी। प्लस इसमें सटायर और सार्कैज़म भी है गवर्नमेंट के प्रति। अगर आप इस मूवी का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी मैं इस मूवी का रिव्यू भी आपके लिए लेकर के आऊँगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वॉट टाइप ऑफ मूवी इट वॉज और किस तरीके से ये जर्मन एक्सप्रेशनिज्म को दिखाती है। वैसे ही आपको मूवी मिलेगी नॉस्फेरेटू, जो कि एक वैम्पायर के ऊपर मूवी थी। अब आप देख सकते हैं इसने हॉरर मूवीज़ को किस तरीके से एक नई डायरेक्शन दी है एंड साथ ही साथ बहुत ही अमेजिंग मूवी है जो कि फ्रिट्ज़ लैंग ने बनाई थी। मैं इसके डायरेक्टर्स के बारे में भी आपसे बहुत जल्द बात करूँगी। ये थी मेट्रोपोलिस, जो कि अपने एरर से कई गुना अहेड टाइम पे काम कर रही थी एंड स्टिल जो सिनेमा जगत है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म ने सिनेमा की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसने हॉरर, फैंटेसी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर को नई डायरेक्शन दी है। तो ये था हमारा सफ़र जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की दुनिया में। अगर आप फिल्म लवर्स हैं तो आपको जर्मन एक्सप्रेशनिज्म के अद्भुत दुनिया में खुद को खो देना चाहिए। जल्द ही वापस आऊँगी एक रोचक सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।